बिलायगढ़ ब्लॉक में इन दिनों रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन जोरों से चल रहे हैं, जिसकी मिल रहे लगातार शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बिलायगढ़ SDM व नायब तहसीलदार ने चिकनीडी गांव में छापामार कार्रवाई करते हुए रेत की अवैध उत्खनन व परिवहन करते हुए 20 ट्रैक्टर को जब्त कर भड़गांव थाने के सुपुर्द में रखा गया है। बिलायगढ़ ब्लॉक में रेत की अवैध उत्खनन व परिवहन की लगातार मिल रही शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बिलायगढ़ SDM के एल सोरी व नायब तहसीलदार ममता ठाकुर ने चिकनीटी गांव में छापामार कार्यवाही की, जहां रेत की अवैध उत्खनन व परिवहन करते हुए 20 ट्रैक्टर को जब्त कर माइनिंग एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए सभी ट्रैक्टर को जब्त कर भाटा गांव थाने में रखा गया है। बताया जा रहा है कि बिलायगढ़ क्षेत्र में रेत उत्खनन व परिवहन को लेकर कोई निलंबन नहीं हुई है, जिससे लोग अवैध तरीके से रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन का कार्य कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पे आज छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें रेत से भरे 20 ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्रवाई के लिए भाटागांव थाने के सुपुर्द किया गया है। ये ग्राम चिकनीडी है, यहाँ पे नदी है और आज सूचना मिली कि अवैधानिक रूप से बहुत सारे ट्रैक्टर जो है रेत का परिवहन कर रहे हैं। इस पर नायब तहसीलदार को पहले भेजा गया, नायब तहसीलदार पुलिस के माध्यम से जाँच कराई गई और मैं भी मौके पर पहुँचा हूँ। करीब 10 से 15 गाड़ियां यहां पे अभी इसमें पकड़ी गई हैं और इनका विधिवत जो है कार्रवाई की जाएगी। सर, यहां पहले से भी रेत के जो है अवैध उत्खनन किया जा रहा है, क्या यहां किसी प्रकार का कोई ठेका दिया गया है? ये लगातार यहां पे शिकायतें होती है कि रेत का अवैध रूप से खनन और परिवहन होता है और किसी की यहाँ पर लीज स्वीकृत नहीं हुई है, पर प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लोग हैं जो अवैधानिक रूप से इस रेत परिवहन कराने में मदद करते हैं और अवैधानिक रूप से पैसा लेते हैं। अभी कुछ गांव वालों से हमने चर्चा किया तो वो लोग बताने के लिए तैयार नहीं हैं, निश्चित ही इस पे गड़बड़ी की जा रही है। सर, जो यहां से अवैध उत्खनन करते हुए जो रेत लेकर जा रहे थे, उन जो ट्रैक्टर मालिक या ड्राइवर के ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? फिर लॉकडाउन की स्थिति है कि सर यहां पर 25 से 30 लोग जुड़े हैं। हाँ, यहां पे अभी जो है ये लोग जुड़े जरूर हैं, इन लोगों का भी कई बार पहले समझाया भी जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण का प्रकोप भी है, इसको देखते हुए इनको दूरी बनाए रखने के निर्देश दिया गया है और माइनिंग एक्ट के तहत इन उनके ये ट्रैक्टर मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 6/5/2020 को शाम को नायब तहसीलदार मैडम का फोन आया कि इधर सलिया घाट और चिकनीटी के बीच में अवैध रेत परिवहन का कार्रवाई कर रहा है, तो बल उपलब्ध करवाए करके तो मैंने अपने पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा। और वहाँ पेट्रोलिंग पार्टी वाले मुझे बताया कि सब ड्राइवर लोग भाग गए थे, करीब 20 ट्रैक्टर थे वहाँ पर, उनको ड्राइवर का वैकल्पिक व्यवस्था करके थाना बुला के भेज दिए और पूरी कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। हमारे पास केवल सुरक्षा खड़ी करवाएं। बिलाईगढ़ से सहदेव सिदार की रिपोर्ट, SEN 24।